आपका पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि पूंजीवाद में मूल्यों का निर्धारण बाजार करता है और समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करता है। ये दोनों का बेसिक अंतर है। पूंजीवाद जो आपने अपनाया, जिसके बदौलत हम वैश्वीकरण में आए, तो पूंजीवाद में मूल्यों का निर्धारण बाजार करता है और समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करता है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है अपने को समझना। पूंजीवाद में मूल्य का निर्धारण बाजार करेगा, समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करेगा। जैसे बीएसपी पढ़ाया मैंने, तो बीएसपी में जो लोहा है उस लोहा का निर्धारण सरकार करेगा, क्योंकि बीएसपी किसका है? सार्वजनिक कंपनी है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का है। यानी समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करेगा, बीएसपी के छड़ का रेट सरकार तय करता है, और पूंजीवाद में मूल्यों का निर्धारण बाजार करता है। अब टाटा है, रतन टाटा के बाद जमशेदपुर में लोहा बनता है, दोनों लोहा बना रहा है, लेकिन एक में बाजार निर्धारण कर रहा है और एक में सरकार कर रही है। तो समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करता है, समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करता है बीएसपी में। कैसे? अब बीएसपी में हम लोग 10 लोग गए, एक क्विंटल छड़ है वहाँ, और 10ों को एक क्विंटल छड़ चाहिए, तो बोला मेरे पास तो एक ही क्विंटल है, तो यहाँ तो 10 क्विंटल नहीं है मेरे पास, 10 लोग आए हो लेने, तो कितना रुपया? बोलेगा 4000 रुपया क्विंटल है। तो 10 में किसी एक को मिलेगा, और 9 लोग जीत करेंगे तो बोलेगा उसको टाइम देगा, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद जब बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तब मैं दूंगा बोलेगा। लेकिन वो 4000 क्विंटल है उसको रेट नहीं बढ़ाएगा, वो उसको 4500 नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा यार एक क्विंटल है, 10ों को चाहिए एक एक क्विंटल, तो जो ज़्यादा पैसा देगा वो मैं दूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा बीएसपी वाला। एक ही से एक को दे देगा और 9 लोग को डेट देगा, वो इस डेट को आना, आपको एक एक क्विंटल में छड़ दे दूंगा। अब यही चीज़ घटना घटेगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर में हम 10 लोग गए, वहाँ एक क्विंटल है, तो वो रतन टाटा क्या बोलेगा? मैं इसको बोली लगाऊंगा बोलेगा, वो एक क्विंटल को जो 10 में ज़्यादा रेट देगा वो मैं दूंगा उसको। तो वहाँ 10ों लोग बोली लगाएगा, हो सकता है वो 10 हर क्विंटल में जाए। तो वो पूंजीवाद है, प्राइवेट है, तो पूंजीवाद में मूल्यों का निर्धारण बाजार करता है, पब्लिक करती है, और समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करती है। सरकार ये नहीं देखता कि भीड़ कितनी है, वो ये देखता है मेरा इतना मूल्य तय है उतने में ही जाएगा, बाकी लोगों को डेट देता हूँ। आ रहा समझ में? पूंजीवाद और समाजवाद ये एग्जाम में आता है, वो बाकी जो बोल रहा था वो समझाया था मैं। तो पूंजीवाद में मूल्यों का निर्धारण बाजार करता है, समाजवाद में मूल्यों का निर्धारण सरकार करता है। वैश्वीकरण 2 देश के बीच होता है।